फोन करने के लिए आदमी मिल जाते हैं लेकिन काम करने के लिए नहीं। क्या किस्मत है हमारी। ए, यहाँ क्या कर रहा है? आज शुक्रवार है ना, ये बताने के लिए इतनी दूर आए हो क्या? इसे कॉमेडी करेगा क्या? शनिवार रविवार बैंक बंद रहता है, चेक आज डालेगा तो ही तो सोमवार को क्लियर होगा ना। एक बात बता, तुझे कोई भी काम याद क्यों नहीं रहता है यार? रमैया अंकल, बच्चे को बहुत डांट रहे हो आप। करेक्ट करेक्ट। ओ भाई, अपनी उम्र देखो और इनकी उम्र देखो, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता है क्या? ए, तेरी बीवी तुझे इज्जत कैसे देती है? डैडी गुड मॉर्निंग। हाथ तोड़ के रख दूंगा, किसी काम लायक नहीं रहेगा, बहुत चर्बी चढ़ गई है तुझे। अरे मजाक कर रहे थे। समझ जाओ तुम लोग, समझ जाओ। अरे आजकल कौन सी औरत अपने पति को इज्जत देती है? मुझे बोलने आया है। इतनी बातें बोलकर गए हैं, समझ में नहीं आया, चल बैंक चल। तुझे ये बात इतनी लग गई क्या? अरे कहाँ जा रहा है तू? कब उतरा बे? मैं बैठा ही कब था। ए, सुन। हेलो, कैसे हैं? ये तो अभी से हमको भूलने लगा है। कान्हा, रेवती, कहाँ जा रहे हो? मैं तो अपने स्कूल में ही जा रहा हूँ, अर्जेंट जाना है मुझे। मैं भी उसी तरफ जा रही हूँ, चल। तो जा रही है। कान्हा, यू हैप्पी, सिस्टर हैप्पी, आई एम हैप्पी, यू फॉलो मी। अब तुम चलाओ। हाँ। ओ, तुम भी आ रही हो क्या? चाहो तो मेरे कमर में हाथ रख सकती हो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। बेसिकली आई एम अ वेरी डिसेंट गाय, यू नो। अरे कौन चिल्ला रहा है यार? अबे तेरा बाप चिल्ला रहा है, तुझे बैंक जाने के लिए कहा था, यहाँ क्या कर रहा है? हाँ वो बैंक में वो जाके आया। रेवती मुझे यहाँ लेकर आई है। तुम लेकर आई? जी अंकल, मैं ही इसे यहाँ लेकर आई। क्यों? वो थोड़ा सा हिसाब किताब करना था। अरे नहीं बेटी, इसे हिसाब किताब के पैसे मत देना, मैं आकर के देख लूंगा। ए, तू यहाँ क्यों खड़ा है? बैंक जाना जल्दी। हाँ पता है, आप जाइए, जब देखो चिल्लाते रहते हैं। लड़कियों के सामने बेशरम की तरह बात करता है, कब दिमाग आएगा इसको? तुम्हारे मुंह से जो बात निकलती है सब झूठ होती है। ये क्या कर रहे हो? वहाँ क्या है? बाथरूम जा रहा हूँ। वो बाथरूम नहीं है, अलमारी है। हाँ, वो अलमारी है क्या? मैं बाथरूम जाकर आता हूँ। ए, तुम अपने आप को समझते क्या हो? हाँ? क्या हुआ रेवती? मैंने तुम्हारी हेल्प करने के लिए तुम्हें लिफ्ट दे दी तो तुम्हारे दोस्त कर रहे थे। अरे वो हमें देखकर नहीं रेवती, मुझे सब पता है कि किसे देख के क्या कर रहे थे वो। तो फिर पूछ क्यों रही हो? और तुम्हें स्कूटी पे पीछे बिठाया तो मेरी कमर पकड़ ली। अरे वो क्या है, रोड ऊपर नीचे था ना, इसलिए बैलेंस के लिए मैंने इसलिए मेरी कमर पकड़ी। मजाक के हिसाब से रेवती, तुम्हें मैंने कुछ ज्यादा ही छूट दे दी है। अभी कहाँ दी है? दिए हुए पैसे मांगने पर पुलिस स्टेशन जाने की बात करता है वो, है क्या समझता है अपने आप को? अपनी भी पुलिस स्टेशन में बहुत पकड़ा है। हैं? ए, ए, उसे वही पकड़ के रखो, बाहर नहीं आना चाहिए। आकर देखता हूँ मैं उसे, फोन रख। रेवती, कार की चाबी। रेवती, चाबी कहाँ है? तू यहाँ क्या कर रहा है? पैसा लेकर जाने के लिए आया था। ले लिया क्या? हाँ, बहुत ज्यादा ले लिया। जाके जल्दी काम पूरा कर। हाँ ठीक है, चलता हूँ। ये तो काम ठीक से करना है ना। ठीक है बेटी, चलता हूँ। ठीक है चाचा जी। ए, काना सुन। हाँ? राउत की दुकान से सीमेंट की गोनी चढ़नी है, तारापुर में उतरेगी, ये सब काम कब तक हो जाएगा? जरा ये सब पूछ के आ जाना। देखिए, ये छोटा मोटा काम आप ही किया करो, मेरा कितना इम्पोर्टेंट काम होता है जानते हो ना आप? जरा बताएगा अपना इम्पोर्टेंट काम। मेरे इम्पोर्टेंट काम के बारे में पूछना भूल जाओ, आपकी बीवी इडली बनाकर देने में 3 घंटे लगाती है, वो छोड़कर मुझे सवाल करके टॉर्चर मत करो। कन्ना, इधर आ। हाँ आ रहा हूँ। मेरा एक छोटा सा काम नहीं करता और सामने जाके पता नहीं क्या क्या करता रहता है। तू घर के अंदर जा, तंगबर के नाम का डॉक्यूमेंट है वो लेता। हाँ ठीक है। माँ जी, माँ जी, आ रही हूँ। क्या बात है कहना? सब ठीक है ना? वो बड़े साहब डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं बाहर। अच्छा, वो डॉक्यूमेंट्स कहाँ रखे हैं मुझे याद नहीं है, ढूंढ कर निकालने पड़ेंगे। एक काम कर, तू बैठ जा, मैं अभी आई। चाची कहाँ चली गई? मेरी आंखें जल रही हैं। चाची, मग कहाँ छोड़ के चली गई? चाची कहाँ हो? माजी, चाची जल्दी आओ ना, आंखें आ रहा हूँ। ये मग नहीं है बल्कि मुझे मिला हुआ लक है। अरे साबुन लगा के कहाँ चली गई थी? अब जल्दी कीजिए ना, आंखें जल रही है मेरी, पानी डालिए ना, जल्दी कीजिए, थोड़ा और पानी डालिए ना, आंखें जल रही हैं। कहा था कि शैम्पू मत डालिए, सुनती नहीं है। बाल के साथ साथ मेरी आंख में भी शैम्पू डाल दिया। अरे रहने दो रेवती, शैम्पू डालोगी तो बाल के लिए खतरनाक होता है, पता है ना?
जाओ यहाँ से। 5 मिनट में चला जाऊँ। जाओ ना जाओ। हाँ माँ जी। ये लो, यही पेपर चाहिए थे ना। ठीक है मैं चलता हूँ। कहाँ जा रहा है? तू रुक, वो तो कुछ न कुछ काम देते रहेंगे। पहले ये खा ले, उसके बाद जा। ये यहाँ पे रख दे चल। पहले आराम से खा ले। कितने प्यार से खाना पिला रही है। अच्छा होगा लगता है। माँ जी बहुत अच्छा बना है, सच में बहुत अच्छा बना है। अरे रहने दीजिए ना, कमर से बांधो तो जल्दी सूखेगा। हो जाएगी, सुनती क्यों नहीं है? मेरे बात ही मान लीजिए ना प्लीज। ठीक है। आईने में कभी अपनी शक्ल देखी है बेवकूफ कहीं के? लड़की अकेली नहाती है तो उसके सर पे जाके पानी डालते हो, अकल नहीं है क्या तुम्हें? देखो रेवती, छोटी छोटी बातों को लेकर तुम मुझ पे गुस्सा मत किया करो। कितनी बार तालाब में तुमने मुझे नहाते हुए देखा है, तभी शर्म नहीं आई क्या तुम्हें? उस वक्त हम तीसरी चौथी क्लास में पढ़ते थे, अब हम बड़े हो गए, जाओ यहां से। वैसे बहुत अच्छी लग रही हो। तुम लोगों को कितनी बार समझाया है, मेरे सारे साहब के यहाँ से ताड़ी मत चुराया करो, बोला है ना? कहीं अगर उसने देख लिया तो पूरी इज्जत का भाजी पला हो जाएगा। कहना हमेशा साला साला करके बोल रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे सच में उसकी बहन से शादी कर लिया है। काना, साइड मैटर के बारे में थोड़ा इसको डिटेल में समझा। तू भी सुन ले। ए, और तू भी सुना, एक दिन क्या हुआ साइड पर ना, दोनों अकेले बात करते करते चलते आ रहे थे तो कमर के इतना पानी, उसने मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया, मजा आ गया था। मैंने उसे गोदी में उठा लिया और हम दोनों रोमांस करने लग गए। वैसे काना, उसने जो ड्रेस पहनी होगी वो तो भीग गई होगी ना? हाँ यार, उसने मेरी शर्ट पहन ली और मैंने उसकी चोली उतार कर पहन ली। क्या बात है पागल है। इसे पवित्र लव बोलते हैं भाई, तू कंटिन्यू कर। ऐसे बात मत कर रहा तू। अच्छा अभी आगे बोलता हूँ। उसके बाद ना हम लोग बैलगाड़ी में जा रहे थे तो उसने क्या किया पता है? उसने अपना सर मेरे सीने पे रखा और मैंने उसके बालों में फूल लगा दिया। और कान्हा, उसके बाद तूने उसे लप करके काटा होगा ना? दे दे अपना हाथ दे। तू तो एकदम सिचुएशन एज इट इज बता रहा है यार। 5वीं क्लास में मैंने भी ऐसा किया था यार। ए, मुझे क्या देख रहा है तू? उसे देखना यार। कान्हा, उसका घर तेरे सामने ही है। आँख खुलते ही उसका चेहरा तू सबसे पहले देखता है। और तुझे अच्छे से पता है कि वो लोग कैसे आदमी है। और वो पेरुमल जो चप्पल पहनता है ना, उसका चप्पल तेरे सर पे ही पड़ने वाला है। वो सोच के मेरी रूह कांपने लगती है। उसकी चप्पल तूने कब देखी बे? अरे उसने मेरी दुकान पे भजिया खा के अपना हाथ पैर में पोंछा था, तब देखा था। देख मेरे भाई, अगर तू मर्द का बच्चा है तो एक काम कर। ठीक है बताओ क्या करना पड़ेगा। उस मुच्छड़ पेरुमल को तू ऐसा ले बोल के बुला, ये बात उसके कान तक पहुंचनी चाहिए। अगर ऐसा हो गया ना तो तेरे प्यार के लिए जान देने वाला पहला आदमी मैं ही रहूंगा। ए क्या साले साले लगा रखा है, ए हो चाहे बी हो चाहे सी हो, तेरे साले को तो मैं संभाल लूंगा। काना तू से साला बोलेगा। ए टगले, देख आज ये बात तू नोट करके रख ले, उस पेरुमल को मैं ए साले साले साहब कहकर बुला के रहूंगा। तेरे टकले की कसम, कसम टकले की। अबे हाथ हटा, कसम खाने के लिए मेरा शरीर बचा है क्या? जो 4 बाल है वो भी झड़ जाएंगे। ए तूने उसको फोन लगाया कि नहीं? है उठा के फेंक दो इसे। पैर पकड़, पकड़ता हूँ। क्या बात है, इतने लोग जा रहे हैं। माँ क्या है? क्या माँ, सामने के घर में बहुत ही भीड़ दिखाई दे रही है, बात क्या है बोलो? नहीं कोई बात नहीं है, रेवती का हाथ मांगने के लिए लड़के वाले घर पर आ रहे हैं। अरे मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तो क्या लगता है उन लोगों का जो तुझसे पूछ कर करेंगे सब कुछ? मुझे भी अभी पता चला है। जाकर अपना काम कर। माँ माँ क्या हुआ? माँ मैं जो बोल रहा हूँ वो तुम्हें सुनाई दे रहा है क्या? सामने के घर में ही तो रहती है, हा? जब देखो तब तुम्हें ऐसे वैसे कोई ना कोई सवाल तो पूछती रहती है, तो तुमसे भी तो एक बार वो बता सकती थी ना? नहीं तभी मुझे बुलाकर ये फूल लेके आ, ये लेके आ, वो लेके आ ऐसा कहकर मुझे टॉर्चर करती है, तो मुझसे ये बात तो बता ही सकती थी ना माँ। कैसा खानदान है ये, घर के लोगों में तो तमीज नाम की चीज ही नहीं है। ये शादी होने के बाद तुम्हें क्या लगता है वो जाकर खुश रहेगी? क्यों बेटा, सुबह सुबह उस बच्ची को श्राप क्यों दे रहा है? उससे लड़के वाले देखने आ रहे हैं, शायद उसे भी नहीं पता होगा। हाँ ऐसे हो सकता है कि अभी पता चली हो। तू जा यहाँ से, जा अपना काम कर जाके चुपचाप जा, पता नहीं क्या क्या बकता रहता है। मेरी हालत तो कोई समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा है, किसको बताऊं मैं? ये क्यों यहाँ आ गया, कुछ पता चल गया क्या? क्या बात है गाना,
तू हमारे अड्डे में आया नहीं, दो दिन से बड़ा मायूस दिखाई दे रहा है तू, क्या बात? अरे नहीं यार, वो मुझे सब समझ में आ रहा है। हाँ क्या है कि तेरा चेहरा देखकर मैं सब कुछ समझ जाता हूँ, वो लड़की तुझसे पक्का बोली होगी, जानू कल मेरी मंगनी होने वाली है, तुम कुछ भी करके उस मंगनी को रोक लो प्लीज। अब तू उसे कैसे रोकेगा, इसी सोच में पड़ा हुआ है ना, तेरे दिल में क्या है मुझे सब कुछ पता है यार, तू फिक्र मत कर, मैं तेरे साथ खड़ा रहूंगा, तू घबरा मत यार, जब तू मेरे साथ है तो मुझे किस बात की फिक्र हो सकती है यार, काना तेरे गले लग के आज दिल भर आया यार। हाँ अभी आता हूँ, जब देखो जल्दबाजी में रहता है ये। जाकर प्रणाम करो बेटी। लड़की हमें बहुत पसंद है, आप अपना इरादा बताइए, शादी कब करनी है? लड़की को अच्छी तरह से देख लेना, फिर कल ये मत कहना कि नाक सही नहीं है, कान सही नहीं है। अरे तुम चुप रहो, लड़की देख के ही सब पता चल जाता है क्या? अरे सब पता करके ही यहाँ आए हैं। तुम चिंता मत करो भैया, उसने पसंद कर लिया ना, बात आगे बढ़ाओ। बहुत खुशी की बात है, आप लोग कोई अच्छा सा दिन देख कर बता दीजिए, उसी दिन शादी रख लेंगे। जरा वो कैलेंडर देना, ये लीजिए। वैशाख महीने के 15 तारीख को रविवार के दिन शुभ मुहूर्त है, उस दिन शादी रखते हैं और एक दिन पहले शनिवार को मंदिर में मंगनी रख लेंगे, सब लोग राजी है ना? ठीक है। इस कार्यक्रम में सभी का आना अनिवार्य है, जिससे दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद मिल सके। सब लोग शादी में जम कर खाएंगे, जो लड़की के भाई की तरफ से होगा। ए काना, ये बाल्टी पकड़ो और चलो, अरे जल्दी करो जल्दी, बढ़िया मटन लेकर आने का है। हाँ क्या हुआ मालिक, आप इतने उदास क्यों हैं? अरे नहीं बल्कि आज तो मैं बहुत खुश हूँ, मेरी बेटी भी मेरी तरह बिना माँ की बड़ी हुई है, आज तक मैंने उसे कभी डांटा तक नहीं और वो भी मुझ पर कभी गुस्सा नहीं हुई। पापा मुझे ये ला दो वो ला दो, ये चाहिए वो चाहिए, ऐसी जिद भी कभी नहीं की। उसकी जिंदगी अच्छी गुजरे इसलिए इतने बड़े घर में मैंने उसका रिश्ता किया है, हमारी बेटी रानी की तरह रहेगी देखना, रानी की तरह, बहुत अच्छी जगह रिश्ता तय हुआ है उसका। शांति तुम लोग आगे चलो, मैं आती हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? बस 2 मिनट में, जल्दी आ जाना। चल। कान्हा कल शादी के लिए, वो क्या है ना कि कल मैं बाजार जा रही हूँ कपड़े लेने के लिए, सिल्क की साड़ियाँ लेनी है, अंकल के लिए भी धोती लेनी है, तुम्हारी मम्मी के लिए भी एक सिल्क की साड़ी, तुम्हें क्या चाहिए तुम बता दो, मैं ले आऊंगी। मैं कुछ ले आई तुम्हें पसंद ना आए उससे अच्छा है कि तुम मुझे बता दो, या फिर मुझसे पैसे ले लो और खुद ले लेना। हाँ हाँ तुम पैसे ही ले लो। ये लो। रेवती मुझसे शादी करोगी? बोलो रेवती, मुझसे शादी करोगी तुम? छोड़ो, मेरी मंगनी हो चुकी है काना, अब पूछ रहे हो कि तुमसे शादी करूंगी या नहीं, पागल हो गए हो क्या? प्लस टू पढ़ने तक हम दोनों ने बातें की, बहुत सारी जान पहचान की, तभी तो ऐसा कुछ लगता नहीं था। एक दिन कॉलेज में पढ़ना है कहकर बाहर चली गई, छुट्टी में भी नहीं आई वो, तभी उसे कब देखूंगा कब बातें करूंगा ऐसा मन सोच रहा था, बार बार उसे बात करने के लिए तड़प रहा था। 4 साल बाद अचानक एक दिन एक परी की तरह आकर वो खड़ी थी, मेरी तो जान निकल गई। हम दोनों एक दूसरे को जानने में लगे थे, इतने में 4 महीने के अंदर ऐसा होगा ये सोचा नहीं था। उसके बिना जिंदगी जीना सोचकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ए तू रो क्यों रहा है, अभी सिर्फ मंगनी हुई है, उसकी शादी नहीं हुई है। तो तू क्या चाहता है बे? एक तो उस लड़की की मंगनी हो गई, ऊपर से शादी की डेट भी फिक्स हो गई, और इस बोर्ड में 24-25 तारीख लिख के फालतू में टेंशन क्रिएट किए जा रहे हो। अब सुनो, निकालना है तो कोई रास्ता निकालो, ऐसे मुंह लटका के बैठने से कुछ नहीं होगा। ए तू क्या जानता है प्यार के बारे में? तुझे ज्यादा पता है क्या, ऐसी मुंह और मसूर की दाल। अच्छा ये बता, जो लड़की इससे प्यार करती थी आखिरकार वो दूसरे लड़के से शादी करने के लिए क्यों तैयार हो गई? तुझे तो उस खानदान के बारे में पता है ना,
वो लड़की कैसे इतने लोगों के बीच में बोल सकती है? अच्छा बेटा, प्यार में लोग एवरेस्ट पे भी चढ़ने से नहीं डरते हैं। तू अपना मुंह बंद रख, मेरे दुकान में बचा हुआ दूध है, उसे पी ले, अच्छी नींद आ जाएगी, समझ गया ना? फालतू में बकवास किए जा रहा है। अरे चुप रहो यार, मैं नहीं रहूंगा तो वो मर जाएगी। कान्हा चिंता मत कर, मैं कोई रास्ता निकालता हूं। तुझे जो भी रास्ता निकालना कहीं और जाके निकाल। मैं तो वैसे भी वासी वड़ा को गरम करके जैसे तैसे पब्लिक को खिला के अपना गुजारा कर रहा हूँ यार। तुम लोग मेरी दुकान को बख्श दो बस।